हाँ जी, बांग्लादेश कॉक स्टूडियो सीजन 3 मालोमा। आई थिंक इस मालोमा मीन्स माँ। माँ तो समझ आता है, माँ तो हर जबान हर लैंग्वेज में माँ माँ ही होती है भाई। तो आई मिस्ड आउट दिस। कल ऐसे ही परसों आया था, बिजी था, नहीं कर पाया। लेट्स सी कॉक स्टूडियो बंगला के अभी तक 2 गाने किए हैं। व्हाट अ कल्चर रिप्रेजेंटेशन। एक सॉन्ग था द थ्रेड, और एक था कोथो कहियो ना, आई थिंक फ्रॉम सीजन 2। क्या क्या उसके अंदर एक मिक्स एंड मास्टर मिक्स एंड एवरीथिंग, ग्रेट वोकल्स, और एक न्यू आर्टिस्ट देखने को मिले थे। लस्सी इसमें प्रीतम हसन, सौगर दीवान एंड आरिफ दीवान। एंड आई थिंक आरिफ दीवान का मैंने बहुत नाम सुना, और मे बी आई नॉट श्योर कि शायद वाकई में मशहूर है। एंड अली हसन, लेट्स गो सीजन 3 मालोमा जी। जिलो जी बोइनलो बोइन बोललाम कि रंगे भांगा नौका बाईते आइलाम गांगे। ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट, क्या प्रोडक्शन है यार। एंट्री एंड एवरी थिंग, क्या खूबसूरत वॉइस एंट्री। मैं ट्राई करूँगा कम पॉज करने को, एंड पे एक रिव्यू दूंगा, सुन लें, बीच में भी कर लेंगे, लेकिन एक का बार खत्म हो गया इसको। बिफोर नेक्स्ट ब्रदर स्टार्ट्स, उफ क्या वाइब थी विद द हुक मालूम। एंड द थिंग इज के मामा ठंडी, अच्छा मामा, आई मीन इंग्लिश में किया है तो बस छोड़ो यार। क्या जो बाप पे गाना होते हैं या माँ पे गाना होते हैं, वो फार बेटर देन हिट्स फ्रॉम किसी इश्क के इश्क इश्क ब्रेकअप सॉन्ग के ऊपर से बेहतर वो होता है। नाइस हुक, नाइस है, प्रोडक्शन जा रही है अभी तक भाई का जो वो बेशक आई डोंट अंडरस्टैंड बंगाली, लेकिन ये जो था ना मालूम, एंड पीछे जो ड्रम्स एंड एवरीथिंग, वो जो साउंड इफेक्ट्स, उफ, लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट। क्या बात है, एंट्री जिस तरह कोक्सी वो उसने रैप, ये भी रैप लग रहा है। आई कैन
गेट बाय द लोग क्योंकि हिप हॉप सुनते हैं। तो भाई तो जिस तरह उसने कोकसुड़ी पाकिस्तान का जो सीजन 15 उसके अंदर आई में एक ने चारपाई के ऊपर एंट्री की, भाई सर अपने ट्रेडिशन नेवी थिंग छोटे छोटे करके दिखा रहे हैं, व्हाट अ ग्रेट थिंग। और सो क्रेजी और सिंपल लाइन्स, जब हम बचपने में थे तब कोई टेंशन नहीं, कोई एग्नी नहीं थी ना एवरीथिंग, उफ नॉस्टैल्जिया टाइप है। मामा जिनकी नहीं है आपको पेशेंस थे यार गॉड, बाकी जिनकी हैं वैल्यू करना सीख जाए। दो ही रिश्ते हैं जिंदगी में, बाकी रिश्ते तो है ही कौन जिंदगी में, माँ और बाप, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं। बहन भाई होते हैं लेकिन वक्त बदल गए। लपटाई से मारी कोले बुझी नहीं ये क्या था भाई? लपटाई से मारी कोले बुझी नहीं दुनियाते কি খেলা চলে সবাই তো আদর করত ওলে লে যখন যাই যাব নিতে সংসারে চলে আমার রঙিন দুনিয়া কি এর সাদা কালো চলে ডাইলের মজা চলে যদি ভালো মতন গলে ঠিক মতো বাইতে পারলে ভাঙা নৌকা চলে ভাইয়া সাঁতার না জানা থাকলে ডুবে মরবেন জলে। আপনি কি ভাবতেছেন ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে? আমি তো দেখতেছি ভাই আপনার নৌকা ঠিক আছে, জীবনে চলার পথে নাই নাই বিধি আছে, সঠিক দিক যেতে পারলে সুন্দর একটা দ্বীপ আছে, দুনিয়া ঘুরতে আছে কে ঘুরে খুঁজতে হইব বিষয়টা বুঝতে হইব খেয়াম বুঝতে হইব জীবনের তরি ভাইয়া জায়গা মতো যেতে হইব তরিকা সবারই এক ভাঙা নৌকা পাইতে হইব দুনিয়ায়। क्या मजा आया। इससे पहले मैंने सिर्फ एक बांग्लादेश का वही रैपर सुना था ऑयल बॉय, जिसने उसके अंदर किया था द थ्रेड के अंदर जो पिछला इसका सॉन्ग सीजन 3 का, लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। ये क्या कह रहा है जो, मतलब इसने एक स्क्रीन पे अपनी प्रेजेंस बनाई है एक उफ। আসে কে ঘুরে খুঁজতে হইব বিষয়টা বুঝতে হইব খেয়াম বুঝতে হইব জীবনের তরি ভাইয়া জায়গা মতো যেতে হইব তরিকা সবারই এক ভাঙা নৌকা পাইতে হইব দুনিয়ায় আইসি কিছুই ছিল না অঙ্গে ভালো কাজ ছাড়া কিছু যাব না সঙ্গে দেওয়ান ভাই দেওয়ানা হইয়া দেখি কান্দে রঙে ভাঙা নৌকা পাইতে আইসে গাঙ্গে রঙে রঙে ভাঙা নৌকা। নাইস ইয়ার। बोलिए भाई यार नाइस वन यार, पिछले वाले ने वीडियो में और जो अपनी आवाज से बेशक समझ नहीं है लेकिन जो एंगेज वो पैशन दिखा रहा था उससे मजा आया यार। लेट्स गो बिट फैक्ट। एक दिन एवरी वन विल टर्न इनटू डस्ट, इधर डस्ट सॉरी फैक्ट फैक्ट्स। মানুষ একদিন মিশিবে মাটির সঙ্গে ভাঙা নৌকা বাইতে আইলাম গঙ্গে মালো মাঝিলো জি অবলো বইলামি করলাম কি গঙ্গে ভাঙা নৌকা বাইতে আইলাম গঙ্গে মালো মাঝিলো জি অবলো বইলামি করলাম কি রঙে ভাঙা নৌকা বাইতে আইলাম গঙ্গে। ये इसका क्या मतलब था? काली फ्लोइंग की, अच्छा काली में भी मदर को एसोसिएट की है और आंसू बहा रही। अभी भी नहीं हटा हुआ भाई। ओके दिस लाइन वाज ग्रेट, लेट मी फिनिश दिस सॉन्ग मीनवाइल। हाँ नाइस वन नाइस वन। कोक स्टूडियो सीजन 3 बंगला, भाई क्या चल रहा है कोक स्टूडियो?
क्या फेंकी जा रहा है हर तरफ ही। उफ, पता नहीं कौन से जो सीजन 3 के कितने सॉन्ग हो गए लोग के, अभी मुझे लगा था खत्म हो गया था, लेकिन आई थिंक इसके भी कोई और 7-10, क्योंकि पाकिस्तान वाले के 11 सॉन्ग हैं, इसके 3 आ चुके हैं, चौथा कल आ रहा है ब्लीसो, और इसके भी इस तरह होंगे। नीट टॉप इसको ये फॉलो करना पड़ेगा, नीट टॉप देख लेते हैं, क्योंकि अब मेरी बंगाली भाइयों की भी ऑडियंस है, एंड तो फुलफिल तो करना बनता है, हर ये करनी। और कुछ हुआ तो बताइएगा भैया। थैंक यू फॉर सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड सी यू।